Hi, welcome back, viewers. Welcome back to InTrader Trading System. मैं सीमा, आज 21 फरवरी, आज हमारी जो सॉफ्टवेयर WinTrader ने क्या परफॉर्मेंस दिया है ये पूरी लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने रोज की तरह निफ्टी ओपन किया है, बैंक निफ्टी, उसके साथ मैंने कुछ स्टॉक भी ओपन किया है, साथ में कमोडिटी और करेंसी फॉरेक्स मार्केट भी है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चेक करते हैं। मैंने निफ्टी के अंदर सबके अंदर फ्यूचर का चार्ट सेलेक्ट किया है। इसमें निफ्टी की 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट किया है। इसमें ये देखिए, ये व्हाइट कलर डेब्रेक लाइन से मार्केट ओपन हुआ था। इसमें एक कॉर्नर में लाइव डेट दिखेगा। कोई भी चार्ट इसमें ऐड करते हो आपको लाइव डेट ये कॉर्नर में ही दिखता है। और इसमें ये रेड कलर डाउन आरो सेल सिग्नल दिया है और ग्रीन कलर आप आरो बाय है। ये दोनों अपना ऑटोमेटिक सिग्नल्स है, दोनों जब भी आते अलर्ट मिलता है। ये अलर्ट के अंदर खंडी की आवाज़ में आपको ऐसे अलर्ट मिल जाएगा, तो अलर्ट के अंदर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अगर ये डिटेल्स अगर इनकेस अलर्ट आपने क्लोज कर दिया तो भी लेटेस्ट सिग्नल की एंटरप्राइज ऊपर होगा और उसका टाइमिंग और डेट जो पूरी डिटेल्स होगा तो यहाँ पे देखिए डे उसका कितना प्रॉफिट अभी तक हासिल किया वो भी होगा। और सबसे नीचे देखिए 40 40 40 तीन टारगेट यहाँ पे होगा। सबसे पहले सिग्नल आ जाते इतना ध्यान रखिए सिग्नल कंफर्म है क्या वो चेक करने के बाद ही एंटर कीजिए। कंफर्मेशन चेक करने के लिए तीन कंफर्मेशन आपको मेनली चेक करना पड़ता है। पहले कैंडल कला, फिर नीचे ये जो बार कला, ये पट्टी जैसे छोटी बार यहाँ पे दिख रही है, बार की कला भी रेड चाहिए और यहाँ पे प्राइस एंड सेल्स। सो तीनों ओके है तो दूसरी कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिग्नल ऑलरेडी कन्फर्म है जो इसके अंदर हमको यह एंट्री लेने का पोजीशन था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी टारगेट लंबी एंट्री पॉइंट में यहाँ पे दिया, ये सेकंड कैंडल में ओपन हुए थे, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया था और एक्यूरेसी आपको मिलता है। तो ये ऑलरेडी ये सपोर्ट क्रॉस करने वाला था, तो ये सपोर्ट क्रॉस करने की इसी पोजीशन में आपको अभी एंट्री लेने का टाइम है। निफ्टी के अंदर आराम से अभी नीचे ही जा रही मार्केट, ये देखिए ऑलरेडी वो सपोर्ट लेवल क्रॉस कर रही, तब आराम से इसका कंफर्मेशन हो चुका है तो हम आराम से एंट्री ले सकते हैं। उसके पहले ही सॉफ्ट निफ्टी के अंदर एक बाई दिए थे सॉफ्टवेयर ने, तो यहाँ से लेकर एक्चुअली बाई गया था। हमारे क्या क्या होता है, हमारी बार चार्ट में कंफर्मेशन देखने के बाद एंटर करूंगी, तो क्योंकि क्या होता है कंफर्मेशन आती है। एक तो आज मॉर्निंग में डाउन मार्केट ओपन हुआ था, काफ़ी डाउन आज ओपन होते ही डाउन गए थे काफ़ी नीचे, तो उतना नीचे अगर यहाँ पे भी अगर चाहे तो आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था क्योंकि बैंक निफ्टी में हमेशा जब ओपनिंग कैसा रहता है उसके हिसाब से हमको मार्केट क्योंकि थोड़ा वेट करके ही ट्रेडिंग लेना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। जैसे ही मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही ये काफ़ी नीचे गई थी मार्केट, यहाँ से चाहिए तो छोटा प्रॉफिट ले सकते हो, पर कोई बात नहीं, ऐसा लिया नहीं है तो भी हमारी जो सॉफ्टवेयर उसी टाइम री एंट्री भी दिए थे सॉफ्टवेयर ने, छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है क्योंकि एक तो इतना तेज़ी से मार्केट नीचे गिर रहा था उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाएगा, तो इसके लिए तो काफ़ी थोड़ा देख के एंटर करूँगी तो बेटर रहेगा। तो इसमें बाय सिग्नल हमारा मिले थे मॉर्निंग में, लगभग मैं आपको टाइम बताती हूँ, लगभग मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास ये सिग्नल मिले थे। हमारे कन्फर्मेशन हो चुका था इसी पॉइंट पे, यानी कि आपको लगभग 11 बजे के आसपास ये पोजीशन ले सकते थे। उसी टाइम आपने ये सेकंड कैंडल में लिया तो भी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये कैंडल के अंदर हमारे कंफर्मेशन आए थे, ये कैंडल में ले सकते 17,230 से 354, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट थी, कम से कम 100-150 पॉइंट्स आराम से कमा सकते थे हम लोग। ये सेल आए थे, ये सेल देखे मैंने बताया तो था अभी यहाँ से पोजीशन लेने का, तो उससे वहाँ से आप पोजीशन ले, ऑलरेडी ये सपोर्ट लेवल क्रॉस कर दिया, अभी फिर से ही नीचे जा रही है, तो आराम से पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये देखिए अभी ये अभी एंट्री जब लिया था उसके इस बाद अब 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ गया, 203 आएगा तो ये फर्स्ट टारगेट इसमें अच्छी होगा। ओके, ऐसा हमको कन्फर्मेशन देके ऐसा एंटर करना पड़ता है। सेम आज की बैंक निफ्टी में भी ऐसा है, बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में सेम ऐसे डाउन मार्केट ओपन हुए थे, मोस्टली आज सब में काफ़ी डाउन ओपन हुए थे, तो काफ़ी डाउन जाकर ओपन हुए थे। उसके बाद बाई सिग्नल मिले थे, बाई सिग्नल जब मॉर्निंग में सेम ऐसी इसी टाइम में मिले थे लगभग 10:30 बजे के आसपास, उसी टाइम मॉर्निंग में मिले थे कन्फर्मेशन हमको। ये बैंक निफ्टी एकदम तेज़ी से ऊपर जाकर अब ऑलरेडी टारगेट हिट होकर ओपन हुए थे,
तब उसी टाइम हमने सॉफ्टवेयर ने री एंट्री दिया था, और री एंट्री में एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो हमको कंफर्मेशन जब तक मिलेगा नहीं तब तक एंट्री ले सकते हैं सेकेंड चैनल में। यहाँ से पोर्शन लिया तो भी 37,683 तो अप्रॉक्सीमेट 38,030 तक गए थे। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट थी, कम से कम 500 पॉइंट्स आराम से ये बाय कॉल में से मिला है। तो उसके बाद अभी सेल निकली है, तभी सेल मतलब 1:40 के अंदर इसका एंट्री पॉइंट था 37,820। इसके अगर कंफर्मेशन ये सेकेंड कैंडल पे ही मिला है तो हम सेकेंड कैंडल स्टार्टिंग पॉइंट से ले सकते 37,747। अभी चल रहा है 650, तो आराम से 160 पॉइंट यहाँ से इसमें मिला है। ओके, तो अभी फिर से सपोर्ट लेवल क्रॉस करके फिर से मार्केट नीचे ही जा रही है, ऐसा होता है। तो ऐसी कंफर्मेशन देखकर एंट्री लेना है। कंफर्मेशन कैंडल कला, बार कला और प्राइस एंड सेल्स ने तीनों ओके है तो सेकंड कैंडल ओपनिंग राइट में एंट्री ले सकते। सपोर्ट लेवल ये नीचे ब्लू कलर की स्टार दिख रहा है वो लेवल क्रॉस कर दिया तो और एक्यूरेसी है, यानी कि रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर निकलेगा, ऐसा है। दोनों ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, तैसा देखे मार्केट में हमको मोमेंट मालूम कर सकते हैं। अभी उसके अलावा ये वाइट कलर डॉट डॉट लाइन है, येलो ये ब्लू कलर डॉट डॉट लाइन, ये रेंज बाउंड इंडिकेटर्स है। इतना गैप ज़्यादा है तो मार्केट में मोमेंट है, ये देखिए कितना गैप है इसके बीच में, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है आज। अभी देखिए आराम से 200 पॉइंट्स पार कर लिया है। ओके, ये बैंक निफ्टी निफ्टी का है और नेक्स्ट है हमारा रिलायंस का। रिलायंस में भी सेम मॉर्निंग में डाउन, जैसे सब मैंने ऑलमोस्ट सब काफ़ी डाउन जाकर ओपन, मॉर्निंग में काफ़ी डाउन गए थे। तो ये देखिए ये काफ़ी डाउन ओपन किए थे, अगर इन मॉर्निंग में नहीं लिया तो भी बाय सिग्नल निकले थे लगभग सेम मॉर्निंग। हमको कंफर्मेशन इसी पॉइंट से मिला है, लगभग 11:30 के आसपास कन्फर्म आए थे 2415 से लिया तो भी आराम से 2433 तक गए थे, यानी कि 20 पॉइंट्स तो आराम से इसमें इसे कमा सकते थे। तो उसके अलावा तो यहाँ पे एक सेल निकला है अभी यानी कि 2:00 निकला है, तो इसमें 2423 में एंट्री लिया था, अभी 2403 चल रहा है, 20 पॉइंट्स तो आराम से मिल गया। सेकंड कैंडल के ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते 2410 में, 10 से लिया तो भी अभी 10 पॉइंट तो आराम से अभी अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स के आसपास इसमें मिला है। तो उसके अलावा रीएंट्री आई है, रीएंट्री 2:15 के अंदर, अगर किसी ने देखा नहीं है ये 2:00 सिग्नल तो रीएंट्री में आराम से एंटर कर ले 2410 में, 1005 आया तो रीएंट्री टारगेट अचीव हो गया, तो ऑलरेडी 5 पॉइंट्स तो इसमें अचीव है। ओके, ऐसे ही कंफर्मेशन देखकर एंटर कीजिए। नेक्स्ट टाटा स्टील, ये टाटा स्टील में भी एक बाई और एक सेल था, ये सेल आई थी 2:10 के अंदर, बाई मॉर्निंग में लगभग कंफर्मेशन हमको मिले थे, यहाँ पे सिग्नल आए थे, यानी कि कंफर्मेशन एक्चुअली हमें कम से कम 10:30 के आसपास सिग्नल बने थे, तो हमारे कंफर्मेशन तो लगभग 11:00 के आसपास हमारा कंफर्मेशन मिल चुका था 11191 में, एंट्री लिया था भी 1203 तक मार्केट ऊपर गए थे, उसके बाद सेल निकला था 1192 पे सेल लिए थे, उसके हिसाब से अभी 86 पहुंच रहे, यानी कि 6 पॉइंट तो आराम से मिला है। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स, इसमें भी यहाँ से मार्केट ओपन हुए थे, मॉर्निंग में बाय निकले थे, बाद में सेल निकला था 1:40 के अंदर, हमको कंफर्मेशन एक्चुअली इसी पॉइंट में, सेकंड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में 495 में ले सकते हैं, अभी 92 चल रहे, यानी कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। और उसके अलावा बाई गए थे, बाई लगभग सिग्नल मॉर्निंग में आए थे ये सेकंड कैंडल में, यहाँ से हमारे कन्फर्मेशन मिले थे, इसी पॉइंट की स्टार्टिंग में हम एंट्री ले सकते थे 494 में एंट्री लिया तो भी आराम से 99 तक गए थे, यानी कि 4 पॉइंट आराम से प्रॉफिट इसमें मिला। ओके, ये टाटा मोटर्स का है। नेक्स्ट हमारा कमोडिटी मार्केट के थ्रू चलते हैं, इसमें ये निकल है, निकल में मैंने 15 मिनट्स का सेट टाइम फ्रेम सेट किया, हमेशा मैंने बोला था कमोडिटी मार्केट में 15 मिनट्स थोड़ा एक्यूरेसी इसमें रहती है, तो ये 15 मिनट्स के अंदर ये देखिए ये सिग्नल 1807 में कल सिग्नल दिए थे,
यानी कि एंट्री पॉइंट यानी कि 9:15 पहले ही ये सिग्नल बने थे 8:45 में 1807 में बाई ले लिया था इसमें, तो अभी 8.8 अभी प्रॉफिट में हो। आज इसमें मॉर्निंग से यहाँ से सिग्नल बना सकता 1810 से, 10 से लेकर 1823 तक गए थे, यानी कि 10 से 23 मतलब अप्रोक्सीमेट इसमें 10 पॉइंट्स के हिसाब से इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका। अब भी थोड़ा डाउन जा रही है पर अब फिलहाल अभी बाई में ही हूँ। ऑलरेडी इसमें तीनों टारगेट के बाद भी काफ़ी मार्केट ऊपर गए। नेक्स्ट फॉरेक्स मार्केट दिखाती हूँ, यूरो यूएसडी और एनएसडी यूएसडी। ये यूरो यूएसडी में अभी देखिए तो इसमें मॉर्निंग में बाई सिग्नल बने थे, तो ये व्हाइट कलर डे ब्रेक कर लाइन से आज मार्केट ओपन हुई थी। इसमें मैंने 15 मिनट्स का सेट किया है, इसमें मॉर्निंग में बाई मिले थे हमको, यहाँ से सिग्नल कंफर्म हुए थे तो कभी सेकंड कैंडल स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते 1.1353 से लेकर 1892 तक गए थे, अच्छी तरह प्रॉफिट मिले थे। अभी एक सेल आया तो है पर ये सेल कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता हमको एंट्री लेना नहीं है। तो ये रेड कलर यहाँ पे होना चाहिए, नीचे रेड और प्राइस इन सेल्स होने से 3-7 में आया तो ही हमको एंट्री लेना है, नहीं है तो हमको यहाँ से थोड़ा वेट करना है। तो उसके हिसाब से 30 पे सेट कर सकती है, 30 में देखिए 30 में सेल कॉल बनी तो है पर कंफर्म नहीं है, उसमें भी ऐसा होता है। तो हमेशा फॉरेक्स के अंदर मैंने पहले भी बताया था 15, 30, H1, H4 ये चार टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनएसडी यूएसडी, इसमें बाइसिकल बने थे 6:45 यानी कि मॉर्निंग में 6:45 को बने थे 0.67020 से एंट्री लिया था, उसके हिसाब से 160 पॉइंट अभी अचीव है, ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव हो चुका है। ये सेकेंड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते थे 0.6709 से, अभी 6,7269 आएगा तो तीनों ऑलरेडी 200 पॉइंट्स पार कर चुके हैं, हमें प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें मिल चुका है। अभी फिलहाल थोड़ा सा डाउन दिया है पर फिर भी बाई जोन में ही है, जब तक साइड में नहीं निकलती तब तक आपको ये पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ये आज की पूरा आज की लाइव मार्केट की परफॉर्मेंस है। अगर सेम ऐसे ही लाइव देखना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें कॉल कीजिए। डेली यहाँ पे हमारी जो सॉफ्टवेयर की लाइव परफॉर्मेंस मैं वीडियो में अपडेट करती रहती हूँ। हमारी जो विन ट्रेडर ऑल मेजर फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करती है, यानी कि आपको फॉरेक्स से लेकर इंटरनेशनल मार्केट, क्रिप्टो और उसके अलावा एनएससी कैश, फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटी, एग्री, ये पूरी मार्केट यहाँ से मिलती है। व्यू में से आप सिंबल्स में जाएंगे तो आपको पूरी मार्केट यहाँ से मिलेगा, ये पूरी मार्केट यहाँ से मिलता है। ऑलरेडी वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन सब कुछ है। तो आज बैंक निफ्टी निफ्टी में बढ़िया मोमेंट था, ऑप्शन लेने का बहुत बढ़िया मौका था। तो मॉर्निंग में जब निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी का अधिकारी हूँ, ये बैंक निफ्टी में अभी एक सेल कॉल के हिसाब से अभी एक 37,900 की पुट ले सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम निफ्टी में भी ऐसा है तो अगर 17,300 या 400 की पुट बढ़ी है थे इसके, अगर आपको दिखाना है तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंबल्स ले लीजिए, तो इसमें ऑप्शन में जाइए, वीकली ऑप्शन में जाना है हमको 17,300। भी दिखाती हूँ, ये देखिए ऑप्शन की चार्ट है, इसमें मैंने 17,400 की पुट है, 400 में ये देखिए बाई सिग्नल बने थे, यानी कि 2:10 के अंदर कंफर्मेशन है सेकंड का, ऑलरेडी वहां पे कंफर्म है तो डायरेक्टली ले सकते हो। उसके हिसाब से अभी 264 अभी दो टारगेट इसमें अचीव है, 35 पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी मिल चुका है ऐसे ही। तो उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी दिखाती हूँ, बैंक निफ्टी में सेम ऐसे 37,900 पुट, ये 38,000 भी दिखाती हूँ,
इसमें देखिए एक बाय कॉल बनी है लगभग 2:10 के अंदर, सेम बैंक निफ्टी से 37,900 की है। तो इसमें 508 में एंट्री लिया था, इसमें तीनों टारगेट दिया है, तो इसमें दो टारगेट अचीव हो गए, 48 पॉइंट्स अभी हासिल किया है। अभी भी मार्केट बाई में ही निकल रही हो, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक सेल जोन में तब तक ये पोजीशन हम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे ही सेम लाइव मार्केट में अगर कॉल करना है तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।